हेलो गाइस नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हां निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी का स्वागत है वर्ष सावित्री पूजा बस आने वाली ही है तो 2020 में कब है वर्ष सावित्री पूजा जानिए पूजा करने की विधि और शुभ मुहूर्त सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में सावित्री पूजा का खास महत्व माना जाता है इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं यह व्रत महिलाओं के लिए खास बताया जाता है मान्यता है कि इस दिन उपवास और पूजा करने वाली महिलाओं के पति पर आई संकट टल जाती है और उनकी आयु लंबी होती है सिर्फ इतना ही नहीं आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो तो वो भी सही हो जाती है गाइस व्हाट्स सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं मान्यता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले आई थी इसलिए व्रत सावित्री व्रत वाले दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने का विधान है हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर सावित्री व्रत रखने का विधान है। स्कंद और भविष्योत्तर पुराण में भी ये व्रत उसी दिन करने का विधान है ग्रंथों के अनुसार सावित्री व्रत की पूजा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या पर की जानी चाहिए उत्तर भारत की बात करें तो यह यहाँ वट सावित्री व्रत ज्य अमावस्या को ही किया जाता है व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं तो वट सावित्री व्रत 22 मई 2020 को अमावस्या तिथि को मनाई जाएगी 21 मई की शाम नौ बजकर पैंतीस मिनट से अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी तो गाइस चलिए अब जान लेते हैं व्रत सावित्री व्रत की क्या है पूजा विधि व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करना होता है इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किया जाता है वहीं उसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है चौबीस बरगद का फल और चौबीस पूड़ियां अपने आंचल में रखकर वृक्ष के पास पूजा किया जाता है इस दौरान बारह पूरियाँ और बारह बरगद फल वट वृक्ष पर चढ़ाया जाता है इसके बाद एक लोटा जल चढ़ाया जाता है फिर वृक्ष पर हल्दी रोरी और अक्षत लगाया जाता है फल मिठाई अर्पित किया जाता है धूप दीप दान करने के बाद कच्चे सूत को लपेटते हुए बारह बार परिक्रमा करना होता है हर परिक्रमा के बाद भीगा चना चढ़ाया जाता है इसके बाद व्रत कथा पढ़ें और फिर बारह कच्चे धागे वाला माला वृक्ष पर चढ़ाया जाता है दूसरी खुद पहन लें छह बार इस माला को वृक्ष से बदलें और ग्यारह चने और वट वृक्ष की लाल रंग की कली को पानी से निकलकर अपना व्रत खोलने का नियम है तो गाइस चलिए इस कथा को भी सुन लेते हैं जो सावित्री व्रत के दिन सुनना चाहिए बहुत पहले की बात है अश्वपति नाम का एक सच्चा ईमानदार राजा था उसकी सावित्री नाम की बेटी थी जब सावित्री शादी के योग हुई तो उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई सत्यवान की कुंडली में सिर्फ एक वर्ष का ही जीवन शेष था सावित्री पति के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी सावित्री के गोद में सिर रखकर सत्यवान लेटे हुए थे तभी उनके प्राण लेने के लिए यमलोक से यमराज के दूत आए पर सावित्री ने अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दिए तब यमराज खुद सत्यवान के प्राण लेने के लिए आते हैं सावित्री के मना करने पर यमराज उसे वरदान मांगने को कहते हैं सावित्री वरदान में अपने सास ससुर की सुख शांति मांगती है यमराज उसे दे देते हैं पर सावित्री यमराज का पीछा नहीं छोड़ती है यमराज फिर से उसे वरदान मांगने को कहते हैं सावित्री अपने माता पिता की सुख समृद्धि मांगती है यमराज तथा बोलकर आगे बढ़ते हैं पर सावित्री फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है यमराज उसे आखिरी वरदान मांगने को कहते हैं तो सावित्री वरदान में एक पुत्र मांगती है यमराज जब आगे बढ़ने लगते हैं तो सावित्री कहती है कि पति के बिना मैं कैसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ इस पर यमराज उसकी लगन बुद्धिमता देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उस और उसके पति के प्राण वापस कर देते हैं तो गाइस ये थी पूरी जानकारी वट सावित्री पूजा 2020 से रिलेटेड थैंक यू